हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शीतल सुरेजा'स वेज किचन। कैसे हैं आप सब? आज मैं बनाऊंगी आम का अचार। बहुत बढ़िया बनता है और आप रोटी के साथ, पराठे के साथ भी खा सकते हो। और जिन लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए हम भी बनाना शुरू करते हैं आम का अचार। आम का अचार बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो आम लिया है। उसको मैंने अच्छे से धो लिया था और अच्छे कपड़े से मैंने उसको पोंछ लिया। अब मैं छिलके के साथ ही उसको छोटे छोटे पीस करूंगी। अभी हम इसके अंदर 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, और 2 चम्मच नमक डालेंगे। अब हम इसे मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसे कुछ समय इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर बाद में हम 5-6 घंटे के लिए धूप में सुखा देंगे। आम का अचार बनाने के लिए हम मसाला कर लेंगे। पहले लेंगे साबुत धनिया, फिर सरसों, मेथी, मेथी के दाने हैं ये, और अजवाइन। इन चारों को मैं कढ़ाई में अच्छे से भून लूंगी। फिर बाद में मिक्सर में उसको खुरदुरा पीस लूंगी। पीसने के बाद मैं 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालूंगी और 1 चम्मच हल्दी डालूंगी। ये हमारा अचार का मसाला बन गया है। आम को मैंने धूप में अच्छे से सुखा दिया था 5-6 घंटे के लिए। सरसों का तेल लिया है। सरसों का तेल को मैंने पहले गर्म करके रख दिया था ठंडा होने के लिए। फिर अचार का मसाला जो अभी पीसा है हमने, नमक, कलौंजी, लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट आप कम या ज्यादा अपने हिसाब से ले सकते हो। ये मैंने अपने फ्लेवर अचार में फ्लेवर डालने के लिए लिया है। हींग, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और भुना हुआ सौंफ। मैंने सौंफ को है ना अच्छे से भून लिया था। अभी हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अचार का मसाला डाल देंगे। कलौंजी डाल देंगे, हींग डाल देंगे, नमक डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, सौंफ डाल देंगे, भुना हुआ सौंफ, और ये सरसों का तेल। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये अचार को है ना आप कांच की बरनी में भर के रख सकते हो, खराब बिल्कुल नहीं होता है। हमें 2 दिन तक अचार को इसी में रखना है और बीच बीच में मिलाते रहना है। ये देखिए मेरा अचार बन चुका है। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और जिन लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।